हैदराबादच्या डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हिच्यावर चार लोकांनी मदत करण्याचे नाटक करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केलाय आणि जिवंत जाळून मारून टाकलंय. आत्ता तरी आपली न्यायव्यवस्था जागी होणार का आणि तात्काळ कठोर निर्णय देणार का असे काही प्रश्न लोकांच्या चर्चेत येत आहेत. हैदराबादमध्ये डॉक्टर प्रियंका रेड्डी या 27 वर्षाच्या मुलीवर चार लोकांनी सामूहिक बलात्कार केलाय आणि तिला जिवंत जाळण्याची, मानवतेला कलंक लागण्याची घटना घडली आहे. संध्याकाळी कामावरून घरी जाताना तिची मोटारसायकल पंक्चर झाली. काही लोक तिथे येऊन तिला मदत करण्याची भावना व्यक्त केले आणि तिची मोटारसायकल तिथून घेऊन गेले. त्यानंतर काही वेळाने ती परत येऊन तिला जबरदस्तीने रस्त्यापासून लांब नेला आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. कोणाला काही कळायच्या आधी तिला जिवंत जाळले आणि तिला पुलाखाली टाकून फरार झालेत. यामुळे सर्व भारतामध्ये परत एकदा वातावरण दूषित झाल्याचे दिसते. त्या आरोपींना फाशी द्या अशी एकच आरोळी सध्या सगळीकडे पाहण्यास मिळते. आता अलग-अलग जगह पर ये घटनाएं हो रही है और जो अमानुष की जो दिखाई दे रही है इसमें देख किस तरह से हिम्मत बढ़ गई है इन आरोपियों की और इन क्रिमिनल माइंड लोगों की कि वो एक स्त्री के ऊपर, एक लेडीज़ के ऊपर, एक महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं और उसके बाद में सबूत मिटाने के लिए ये लोग उसको जिंदा जला देते हैं. तो इससे बढ़कर और गंभीर घटना क्या हो सकती है? इस घटना की वजह से ना ही हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के हर कोने में, वर्ल्ड में जो है तो हिंदुस्तान का नाम खराब हो रहा है और ये ब्लैक मार्क है हमारे जो है तो संस्कृत के ऊपर. हिंदुस्तान में महिलाओं की बहुत इज्जत है, बहुत आदर है, उनको बहुत जगह से जो है तो आरक्षण भी है. लेकिन आरक्षण का क्या फ़ायदा जब ये बाहर ही नहीं निकल सकती है अपने काम काज के लिए, अपने जो है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. अगर ऐसे भूखे भेड़िए, इनको कहूँगा मैं, इनके ऊपर अगर वॉच रखते हैं, इनके ऊपर ऐसे घटना घटते हैं तो फिर ये महिला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है. महिलाओं को सुरक्षित करने का अभियान जो है तो यहाँ पर फेल होता है. जो है तो यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे घटना होते हैं और इसको अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अगर ये केस चलाते हैं तो इनको 10 महीने मिलते हैं. क्यों? क्योंकि CRPC के जो एक कलम है 173(1), इसमें जो है तो 2 महीने जो है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए जाते हैं. उसके बाद में 309 CRPC के एक्ट के तहत 2 महीने ट्रायल के लिए दिए जाते हैं और अपील अगर करते हैं तो 6 महीने में अपील करनी होती है. तो 10 महीने तो ऐसे इनको पालना है. जो है तो पब्लिक के पैसे से इनको पाला जाता है, खिलाया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है और पब्लिक अगर गुस्से में रोड पर आती है, इसकी जो है तो निषेध करती है, निंदा करती है तो उनको जो है तो पानी के फवारने, लाठी चार्ज करके उनको जो है तो डिस्पर्स किया जाता है और उस वक्त कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है तो यहाँ पर वायलेशन हो रहा है. तो ये कैसा व्यवस्था है, कैसा न्याय है? यहाँ पर मेरा सिर्फ ये एक मत है कि अगर ऐसी कुछ घटना घटती है तो यहाँ पर इन आरोपियों को टाइम मत दो, इनको वक्त मत दो इतना सोचने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनकी ये एक मानसिकता बन गई है कि कुछ भी बड़ा घटना घड़ो और फेमस हो जाओ, फेमस होने के बाद में फिर सब मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है तो रोकने के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पब्लिक से भी, सबसे भी, कि इसी बात पर हमको जोर देना है कि ये जो घटना घटती है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इनको जो है तो सख्त से सख्त फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा या उनको सजाए मौत दी जाए, कि ऐसी सज़ा जिसके बाद में दूसरे किसी की भी जो है तो इसमें जो हिम्मत ना हो ऐसे कुछ घटना घड़ने की. एक्चुअली यहाँ पर इनको वक्त मिलने की वजह से ये लोग जो है तो ऐसे घटना घड़ रहे हैं. हे सांगू इच्छितो की जे प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डीवरती जो अमानुषपणे बलात्कार करण्यात आला आणि त्यांना ज्या पद्धतीने पुरावे मिटवण्यासाठी त्यांना जाळण्यात आले, ही जी घटना जी आहे हे निंदनीय आहे. ह्या निंदनीय घटनेमध्ये माझी न्यायव्यवस्थेला एक विनंती आहे की जसे आमचे वकील साहेबांनी आत्ता सांगितलं, तर ही अशा अपराध्याचं कुठल्याही वकिलांनी केस घेऊ नये. माझ्या मते जो वकील अशा अपराध्यांचं केस घेत असेल तर तो वकील पण त्याच्याबरोबर तेवढंच गुन्हेगार आहे. आणि दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे कृत्य जे आहे ह्या कृत्याला आम्ही सर्व भारतातले सामान्य माणूस आमच्या कष्टाचे पैसे टॅक्स रुपयाने सरकारला देत असतो. हे पैशाचा वापर हे जे लोक आहेत क्रिमिनल लोक हे त्यांना पोचण्यासाठी करतात लिटरली. आता जे दिल्लीमध्ये जे घटना घडली होती त्या घटनेचे कैदी जे आहेत आता आरोपी 10 वर्ष झाले त्यांना कुठल्याही प्रकारची शिक्षा झालेली नाही. 10 वर्ष जे त्यांना पोचण्यात येत आहे हे त्यांना पोचू नये, ह्यांना डायरेक्ट ऑन द स्पॉट शिक्षा द्यावी. हीच माझी सर्वांना विनंती आहे, न्यायव्यवस्थेला विनंती आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे आणि जे ह्याचे जे संलग्नित लोक आहेत, DIG आहेत, ह्या सर्वांना माझे हात जोडून विनंती आहे की ह्यांना त्वरित म्हणजे त्वरित फाशी द्यावी.